लैरी एलिसन वो शख्स है जिसके कि अब तक 4 बार डाइवोर्स हो चुके हैं। अब भले ही इस शख्स का पारिवारिक जीवन उतना ज्यादा सफल ना हो, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है। मात्र 10,000 कॉरपोरेट कस्टमर के साथ आज के समय वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शख्स ऐसा कौन सा कारोबार करता है, तो दोस्तों आप लोगों ने ओरेकल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। तो एलिसन जो है इसी कंपनी के चेयरमैन, सीईओ और सीटीओ रह चुके हैं, और इस समय 34% से ज्यादा शेयर इस कंपनी में मौजूद है। जिसे नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि ये कंपनी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, रियल टाइम डेटाबेस और कॉर्पोरेट डेटाबेस हैंडल करने का काम करती है। ये वो शख्स है जो कि 1995 में एप्पल कंपनी को स्टीव जॉब के साथ खरीदने वाले थे, लेकिन फिर बाद में कुछ कारणों की वजह से वो डील नहीं हो पाई। अदरवाइज उस डील के अकॉर्डिंग एप्पल कंपनी में इनके 50% से ज्यादा शेयर हो सकते थे, और लैरी एलिसन आज के समय दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हो चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी 117 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ एलिसन आज के समय दुनिया के 8th richest person हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे 1 मिनट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।